कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं। कुछ लोग आपको बिना मतलब के भी नफरत करेंगे। यदि तिरस्कार अपने से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जिस रिश्ते को आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते तो उस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि एक ना एक दिन वो रिश्ता आपको बर्बाद कर देगा। आधे रिश्ते तो लोग इसलिए निभा रहे हैं कि उनको कभी आपसे काम पड़ सकता है। कड़वा है पर सच है। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। जिस पर माया का जादू चल गया वो संसारी हो गया, जिस पर प्रभु का जादू चल गया वो संत हो गया। मदद करनी हो तो गैरों की करो। अपने तो कई बार इससे फर्ज समझ लेते हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। लोग केवल अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है। हमेशा याद रखना, नाजायज चीजें हमेशा नाजायज ही होती हैं। इंसान का असली रूप तभी दिखाई देता है जब वो नशे में होता है। वो नशा चाहे शराब का हो, रूप का हो या फिर चाहे रुतबे का। वैसा मजाक किसी साथ मत कीजिए जैसा मजाक आप खुद सहन नहीं कर सकते। चार बातों को कचरे के डब्बे में डाल दो। लोग क्या कहेंगे? मुझसे नहीं होगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है और अभी मेरा मूड नहीं है। जीवन में कुछ भी चाहोगे सब मिलेगा। दूसरों के भरोसे जिंदगी जीने वाले लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची नींद और सच्चा स्वाद चाहिए तो पसीना बहाना मत भूलिए, क्योंकि बिना पसीने की कमाई पाप की कमाई है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गवाना ही जिंदगी नहीं होती। जीवन का एक कड़वा सच ये भी है कि इंसान को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। लोग कहते हैं अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे, किंतु सच बात तो यह है कि दो लोगों के बिना कोई आता नहीं और चार लोगों के बिना कोई जाता नहीं। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। जज्बात वहां जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। कोई नहीं किसी का यहां, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही यह दुनिया सब मतलब की रिश्तेदारी है। बुरा वक्त पूछकर नहीं आता साहब, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। वक्त भी जब शिकार करता है हर दिशा से बाहर करता है। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले, कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रहते हैं। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं साथ नहीं। जितना बदल सकते थे खुद को बदल दिया, अब जिनको सिखाया था वो अपना रास्ता बदलें। जब थोड़ी फुर्सत मिले दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। मुस्कुराकर दर्द को सहना क्या सीख लिया? सबने सोच लिया हमें तकलीफ ही नहीं होती। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अड़ाने के लिए नहीं। नफरत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है। लोगों की आंखों में खटकने के लिए बहुत कुछ खूबियां तो होनी चाहिए। ख्वाहिशें खत्म नहीं होती इंसान की साहब, मौत के बाद भी जन्नत मांगता है। अहम जिनमें कम होते हैं अहमियत उनकी ज्यादा होती है। बदल दिए हैं हमने अब नाराज होने के तरीके,
रूठने के बजाय बस हल्के से मुस्कुरा देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। कभी कभी हम किसी के लिए इतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वो पौधा मुरझा जाता है जिनकी परवरिश छाया में होती है। मीठा सा होता है सफर यह जिंदगी का, बस कड़वाहट तो किसी से ज्यादा उम्मीद रखने से होती है। अगर किसी को बात करने की तमीज नहीं आती तो उसे सिखाना जरूरी है, और कुछ लोग आते ही हैं जिंदगी में दिमाग खराब करने के लिए, उन्हें उनकी औकात दिखाना जरूरी है। किसी भी इंसान की पहचान उसके चेहरे, रंग या कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और गुणों से होती है। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कथा और इंसान की व्यथा बेअंत है, जो समझ गया वही संत है। जिंदगी का सच बस इतना है, इंसान पल भर में याद बन जाता है। समंदर भी हैरान था हमें डूबते देखकर कि कैसा शख्स है, किसी को पुकारा तक नहीं। वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि आप कैसे हो, जब वक्त बुरा हो तो आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। शब्द मेरी पहचान बने तो बेहतर है, चेहरे का क्या, वह तो मेरे साथ चला जाएगा एक दिन। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे झुकने नहीं देता। जिंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि वह माफ तो कर देगा, कभी भूलेगा नहीं। इंसान जिंदगी में सब कुछ भूल सकता है, पर किसी का दिया हुआ धोखा कभी नहीं भूलता। जो समझे भी और समझाए भी, बस वही अपना है, बाकी सब दुनिया है। ये रिश्ते बिना किताबों की तरह होते हैं, लिखने में सालों लग जाते हैं लेकिन राख होने में पल भर नहीं लगता। कभी कभी आंखें बंद करके पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठा कर दिया करते हैं। चुपचाप गुजार देंगे तेरे बिना यह जिंदगी, लोगों को सिखा देंगे मोहब्बत ऐसी भी होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम लोगों के लिए ही खास रहोगे। हालात वह ना रखें जो हौसले को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालात को बदल दे। कुछ लोग खास थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे आए ही नहीं थे। परेशान मत हुआ करो किसी की बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं अक्सर उनकी किस्मत खराब होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र या सम्मान की हो। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। भक्ति का मार्ग कठिन है, परंतु जो इस मार्ग पर अडिग रहता है वही भगवान के सच्चे प्रेम और कृपा का पात्र बनता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को अपना समझता है और उनके दुख को दूर करने का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में भगवान का प्रिय होता है। संसार के मोह माया में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, इसलिए हमें संसार से परे जाकर आत्मा की शांति और उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, बल्कि प्रेम वह है जो कर्मों में दिखाई दे। सच्चा प्रेम वही है जो निष्काम और निष्पाप हो। जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, लालच का त्याग करता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जीवन में कठिनाइयों का आना अनिवार्य है, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और निष्ठा से मिलती है। भगवान की भक्ति में वह शक्ति है जो जीवन के सभी कष्टों को, दुखों को हर लेती है। इसलिए सदा भगवान के नाम का स्मरण
करना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और निष्ठा से ही कार्य की महत्ता बढ़ती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वह सदा सुखी और संतुष्ट रहता है। जीवन का सच्चा आनंद केवल बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष में होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति वास्तव में अपनी आत्मा का उद्धार करता है। निस्वार्थ सेवा और परोपकार ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जब मनुष्य भगवान के प्रति अपने प्रेम और भक्ति में सच्चा होता है, तब भगवान उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं और उसे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देते हैं। ध्यान और साधना से हम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत कर सकते हैं। ध्यान से मन को शांत और नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है। जीवन में हमें कभी भी दूसरों के दोषों को देखने के बजाय अपने दोषों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आत्म सुधार ही सच्चा सुधार है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण से ही आत्म संयम और आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति और प्रेम में वह शक्ति है जो हमारे जीवन के सभी दुखों और कष्टों को हर लेती है। भगवान के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति रखने वाला व्यक्ति सदा सुखी और संतुष्ट रहता है। संसार के मोह माया में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। इसलिए हमें सदा भगवान के स्मरण में लगे रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सच्चे मार्ग पर चलता रहे। जो व्यक्ति सत्य और धर्म का पालन करता है, उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाई स्वयं ही दूर हो जाती है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। जीवन में सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। जब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो हमारे सभी कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं। भगवान की भक्ति और ध्यान में लीन रहने वाला व्यक्ति सदा शांति और आनंद का अनुभव करता है। ध्यान और भक्ति हमें भगवान के निकट ले जाते हैं और हमें जीवन के सभी कष्टों से मुक्त करते हैं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, यह मत सोचो कि भगवान ने आपको छोड़ दिया, बल्कि यह सोचो कि भगवान ने आपको इतना सक्षम बना दिया कि आप इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। सच्चा प्रेम वो नहीं जो दिखावे में हो, बल्कि वो होता है जो आत्मा से किया जाए। प्रेम का मार्ग सत्य और धर्म का मार्ग होता है जो हमें भगवान की ओर ले जाता है। जैसे जैसे अज्ञान का अंधकार दूर होता है, वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश बढ़ता है। यह प्रकाश हमें संसार के माया जाल से मुक्त कर सच्चे आनंद की अनुभूति करवाता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति फल की चिंता करता है, वो कभी भी अपने कर्म में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का मन ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। यदि मन में शांति और संतोष है, तो जीवन में सफलता और सुख का मार्ग स्वतः खुल जाता है। जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास और सत्य का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। धर्म का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। बिना नियंत्रण के धर्म का पालन संभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे अर्थों में वीर पुरुष होता है, क्योंकि क्रोध विनाश का कारण बनता है और शांति सृजन का। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और उन्नति में होता है।
जब आत्मा को शांति मिलती है तभी जीवन सच्चे अर्थों में सफल होता है। मनुष्य को अपने जीवन में सदा धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य और साहस ही जीवन के कठिन समय में हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है।